यस का गेट और गार्डन, इसका लॉज का नाम है सावरिया गार्डन, तुम देख रहे होगे। और जो मेन चीज है वो है बिल्डिंग, तो तुम्हें बिल्डिंग दिखाते हैं, वो बेसमेंट ही है। और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर जो है ना रोटी बनती है, मतलब रोटी पूरी जो हे गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। वो तो नू कह रही मास्क लगा लो, आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। अभी तुम देखो मैं घर से बाहर हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ उसी लॉज में जहाँ पे दीदी की शादी है। सीन ऐसा था कि भैया मेरे को लेकर आए थे, तो भैया का मूड हुआ तो कह रहे चलो लॉज देखने चलते हैं, तो मैं सोचा चलो इसी बात पे ब्लॉग बना लेता हूँ, तो तुम्हें भी टूर करा देता हूँ। देखो सीन ऐसा है ना, लॉज का जो है फंक्शन होते हैं ज्यादातर नाइट में होते हैं, तो नाइट का व्यू अलग होता है और दिन का व्यू अलग होता है, तो मैंने सोचा तुम्हें दिन वाला व्यू दिखा देता हूँ। तो अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ, मैं जो है ना अभी गेट पे खड़ा हूँ लॉज के, तो सोचा तुम्हें पहले गेट से स्टार्टिंग करता हूँ, देन उसके बाद दिखाता हूँ। ये इसका गेट और लॉज का नाम है सावरिया गार्डन, तुम देख रहे होगे। ये इसका फ्रंट है, ठीक है। अब चलते हैं अंदर को, तो मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। और एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं कोशिश करूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर दूं, क्योंकि अभी जो है ना बंद पड़ा है पूरा लॉज, तो कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं, और जितना मैं देखूंगा उतना ही तुम्हें दिखाऊंगा। तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक शेड है, ठीक है, यहाँ पे फूड काउंटर है इस साइड में, तो वहाँ पर भी फूड काउंटर है, ठीक है। तो ये है, और जो मेन चीज है वो है बिल्डिंग, तो तुम्हें बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये रही सामने मेरी बिल्डिंग, देखो कितनी मस्त है। इसमें जो है ना तीन फ्लोर हैं, जो वो एक दो और तीन, और एक बेसमेंट है। तो ये भैया जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में, तो चलो पहले बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं और तुम्हें दिखाते हैं बेसमेंट में क्या है। यहाँ पे हमने सोचा है, मतलब भैया का आइडिया है कि मतलब जो वेज और नॉन वेज जो फूड होता है ना, तो बहुत से लोग होते हैं नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए वेज होएगा, तो वेज के लिए सोचा है कि ये बेसमेंट में करते हैं सेपरेट, तो इसलिए देखो बेसमेंट ही है। तो गाइस ये बेसमेंट है इस बिल्डिंग का, इसके ऊपर तीन फ्लोर और है, तो एक तो रूफ है उसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो दो फ्लोर है, एक पे इधर है ऊपर जहाँ पे जयमाला होनी है, और एक ऊपर है जहाँ रूम से बनी। देख लो अभी तो ऐसा है, हाँ बढ़िया रहेगा यहाँ पे नॉन वेज का। यहाँ पे एक बड़ा सा वो लगा देंगे फ्लेक्सी, है ना, तो कि मतलब वेज यहाँ पर है एरो के साथ, उससे ये रहेगा कि जो जिसकी चीज जहाँ पर है वो वहाँ पहुँच जाएगा खुद ही। ये सोचा है, तो बेसमेंट तो तुम्हें दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो ये बेसमेंट है, अभी यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, कुछ भी डेकोरेशन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, अभी ऐसी है। और बाकी का अंदर जा सकते हैं क्या भैया? चलो ये एग्जिट है इसका, देख सकते हो तुम, ये एक शेड है तुम्हें दिखाया था मैंने अभी, यहाँ पर साफ सफाई चल रही है। तो ये देखो काउंटर जो है ना क्लीन करे जा रहे हैं यहाँ पर, तो देख लो ये गार्डन है कुछ इसका, मतलब आगे का जो ओपन एरिया है ना ये वो है। सीन ऐसा यहाँ पे जो है ना, मैं पहले भी आ चुका हूँ एक बार, लास्ट ईयर की बात है, आज के दिन की बात है, आज 5 फरवरी है ना, तो आज के ही दिन की बात है, यहाँ पे एक दीदी थी हमारी, मतलब मामा की बेटी है, तो उनकी शादी थी आज के दिन, 5 फरवरी याद आ गई, तो आज उनकी शादी थी, तो आज के दिन मैं यहाँ पर आया था नाइट में, तो इसलिए मेरे को पता है यहाँ पर क्या है, तो इसलिए मैं सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये देख लो कुछ इसका मेन रास्ता है ये, और ये कुछ मेन बिल्डिंग है। चलो अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं अंदर का क्या सिस्टम है। इसका मेन हॉल है ये, पहले पीछे का देखो, ये यहाँ पे बैठने का सिस्टम है, ठीक है, अभी ऐसे रखे हुए हैं सब। तो ये रहा स्टेज, यहाँ पे तुम्हें पता है स्टेज पे क्या होता है, तो इस स्टेज है कुछ इस तरह। अभी यहाँ पर भी लाइटिंग नहीं है, तो अभी ऐसी पड़ा है, जब जिस दिन फंक्शन होगा ना हमारा, जिस दिन शादी होगी, तो उस दिन अच्छे से डेकोरेशन होगी, लाइटिंग होगी, तो वेट करो 12 तारीख का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें उस दिन का ब्लॉग मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये रास्ता देख रहे होगे तुम मेरे पीछे, ये रास्ता है ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, एक रास्ता तो ये है, हाँ एक रास्ता है उस साइड में वहां से जाने का, तो अभी कोशिश करते हैं ऊपर चलने की, ऊपर का दिखाते हैं। तो चलो, तो गाइस आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये देखो तुम फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का है। ये
हॉल है इसका, देखते हैं अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। ये देखो बेड पड़े हुए हैं मेहमानों के लिए, या फिर जो बराती वगैरह आए ना तो उनके लिए ये रूम है कि मतलब बराती आकर के रेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग हैं अपना चेंज कर सकते हैं, मतलब जो करना चाहे कर सकते हैं, प्राइवेट रूम है ये। तो यहाँ पर एक तो ये है, देखते हैं, एक रूम ये है, ये वॉशरूम है, इधर को पीछे को जा रहा है उधर भी रूम है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे रूम है, पूरा अच्छे से मेंटेन कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 रूम है। तो ये कुछ रूम है इसके यहाँ पर, अच्छे से बाहर और तुम्हें दिखाते हैं कुछ। और जो ये स्टेयरकेस है ये जा रही रूफ पर, मतलब कि टेरेस पे, तो टेरेस पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम टेरेस पे नहीं जाएंगे और नहीं आपको दिखाएंगे। अब चलते बाहर, क्योंकि सीन ऐसा है कि हमको जाना कहीं और भी, बहुत सारे काम है। सीन ऐसा था, हम काम से ही आए थे, तो भैया कहने लगा हम लॉज देखने चलते हैं ये, मतलब वहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है कुछ। और भैया को भी काम था यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह के बारे में बातें करनी थी, तो इसलिए जो है ना भैया आ गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम आ गए और भैया ने बताया नहीं था कि हम लॉज जाएंगे, मतलब भैया का जो है ना फिक्स नहीं है कि कब कहाँ जाएँ, कहीं से भी कुछ भी याद आया तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे ही था कि यहाँ पर आ गए थे, तो ये कुछ लॉज मेरे पीछे तुम देख लोगे, ये लॉज है। तो यहीं पर दीदी के फंक्शन है 12 तारीख को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि सबसे पहले तुम्हें पता चले कि मेरा ब्लॉग आ गया है। और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर जो है ना रोटी बनती है, मतलब रोटी पूरी जो होती है ना खाने की, वो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर हैंड टू हैंड। तो ये वाला पोर्शन है, और उस साइड में तुम देख रहे होगे उधर, वहाँ पर जो है ना स्वीट्स रखी रहती है, जैसे कि जस्ट लाइक आइसक्रीम है, ठीक है, गोलगप्पे हैं, रसमलाई है, गाजर का हलवा है, एक्सेट्रा, मतलब जो स्वीट्स होती है ना वो सब होती है। वाला सेक्शन है मेरे पीछे, तुम्हें फिर दिखाता हूँ ये वाला सेक्शन जो, और ये वाला जो है ये है रोटी वगैरह यहाँ पर रहती है, ताज़ी ताज़ी बनती है, खाओ गर्म गर्म, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।